हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल भाई लोग, मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज माउंट आबू पे है मेरा दूसरा दिन, और कल रात को मैं जहाँ रुका हुआ था वो होटल मैंने चेंज कर दिया है। आज मैं दूसरे होटल में हूँ, और कल जो होटल मैंने लिया था वो था एक बजट होटल। अच्छा होटल था, सब कुछ अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी उनका, और रूम भी ठीक ठाक था। 2,000 रुपये में क्या ही चाहिए, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक ही चीज़ उनकी अच्छी नहीं थी, वो था खाना। तो आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले होटल देखे ऑनलाइन, और अभी मैं जिस होटल में हूँ उस होटल का नाम है चाचा इन। तो चाचा इन होटल में रुका हूँ। अब ये चाचा इन है या चाचा इन है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ होटल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप लोगों को होटल रूम दिखाता हूँ। तो ये है होटल रूम, और ये है बाथरूम, ये है फ्रिज, फ्रिज के अंदर है बियर। तो काफ़ी स्पेशियस रूम है और सारा कुछ नीट एंड क्लीन है। और यहाँ का जो असली मज़ा है खिड़की से दिख रहा है। चलो बाहर चल के दिखाता हूँ। ये है यहाँ की बालकनी, और ये रहा सामने का व्यू। तो मैंने सोचा कि कल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उतना अच्छा नहीं था। होटल की मैं बुराई नहीं करूंगा, होटल अच्छा था वो भी। जितना आप पैसा दोगे उसके हिसाब से यहाँ होटल मिल जाएंगे। इसका मुझे अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ा है, लगभग 7,000 रुपये का ये होटल रूम है। और भी जो भी चीज़ें, अब लंच और डिनर वगैरह होगा तो उसके बाद कल बिलिंग कितने की होती है वो मुझे पता नहीं। मैंने यहाँ पे घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट पे ले ली है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि बाइक अगर आपको रेंट पे चाहिए हो तो इजीली मिल जाती है। ये जो मुझे एक्टिवा मिली है ये मुझे 350 की मिली है, और आज लगभग 11 बजे मैंने सुबह ली थी, और मुझे इसको शाम को 7:30-8 बजे तक इनको वापस करना है। तो ज़्यादा रेंट नहीं है, पेट्रोल आपको इतना डाल के देते हैं कि आप पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको जितना घूमना है उसके हिसाब से अपनी बाइक पे पेट्रोल करा लो और आराम से घूमो। हेलमेट दे देते हैं। तो पहले मेरा प्लान था कार से ही घूमने का, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कार का। एक्चुअली ये सीन है कि यहाँ पे ज़्यादातर रोड जो हैं वो वन वे वाली हैं, पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब आप नए हो तो आपको या तो होटल में आप पार्क करो तो पैदल घूमना पड़ेगा, और अगर कार से अगर आप सारे पॉइंट विजिट करना चाहते हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप बाइक रेंट पे लो, उससे घूमो। तो अब मुझे करने हैं कुछ पॉइंट कवर। अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। यहाँ से निकलता हूँ, खाना खाऊंगा, और लोकल यहाँ जो पब्लिक है उनसे ही बात करूंगा, उनसे ही पूछूंगा, जो भी मुझे पास में पॉइंट लग रहे हैं वो कवर करूंगा। भाई ये जो सामने देख रहे हो ना रोड किनारे, ये तिब्बती मार्केट लगा हुआ है, और ये परमानेंट यहाँ पे ऐसा ही रहता है। धूप है यहाँ पे अच्छी खासी, लेकिन टेम्परेचर कम है, 33-34 टेम्परेचर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा कुछ ऐसा गर्मी वाला सीन नहीं लग रहा, तो ये चीज़ अच्छी है, बाइक से घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आ गया हूँ मैं नक्की लेक, और नक्की लेक में देख रहे हो अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, और अच्छी खासी भीड़ हो रखी है, और बोटिंग वगैरह कर रहे हैं लोग, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हैं छोटे मोटे वो कर रहे हैं। इस भाई को बता दो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो भाई मुझे मिला है छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जय है। जय, छोटू नहीं तुमको जय बोलेंगे। तो मुझे जय मिल गया है, और जय मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अब मैं मच्छी को दिखाने जा रहा हूँ। मच्छी, और ये जो तुम लेके घूम रहे हो इसको क्या करना है? ये आटा है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके डालने का है। ये आटे की गोली है, इसको अपन मच्छी को खिलाएंगे ऐसा। तो मैं अब जय के साथ थोड़ी देर मछलियों को खाना खिलाता हूँ। जय, तुम पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पांचवी क्लास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता। अरे वाह क्या बात है, हीरो तुम तो। वो काम भी कर रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकाल देता हूँ। ऐसा, तो ये ऐसे डाल दूँ? एक का 3 टुकड़ा करने के लिए। अच्छा, तो ये आटे की छोटी छोटी गोलियाँ हैं, मछलियों को खिला रहे हैं, हम लोग। इतना बहुत है, नहीं तो फिर इनका पेट खराब हो जाएगा, क्या बोलते हैं? वो देखो मछलियाँ आने भी लगी वहाँ पे। एक गोली और खिला देते हैं ना, भाई नहीं है ओए ओए, बहुत बढ़िया। तो जय ये अच्छा काम किया तुमने, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो और मुझसे भी अच्छा काम करवा रहे हो, है ना? प्लीज
आटे की पूरी, ठीक है, पूरी में तेरी शायरी, ठीक है। वो छोटी सी चट्टान वो आपको गूगल पे भी दिख जाएगी, जब आप गूगल पे माउंट आबू सर्च करोगे तो वो इमेज ज़रूर दिखेगी उस पर आपको। वो बहुत ऊपर है, वहाँ तो मैं नहीं जाने वाला। तो नक्की लेक का एक ड्रोन शॉट लेने का सोच रहा हूँ मैं। नक्की लेक भी घूम ली, ड्रोन शॉट भी ले लिया, और यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर लोग फैमिली वाले यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। अब लगी है भूख बहुत ज़्यादा, तो अब जा रहा हूँ खाना खाने, कहीं बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखता हूँ, खाना खाते हैं, उसके बाद का प्लान क्या है फिर वो बाद में बताता हूँ। तो भाई ये आ गई मेरी स्पेशल थाली, ये साइड में रखी है छाछ, ये है दाल और ये है बाटी, ये है चूरमा घी और स्पाइसी करने के लिए स्पाइसी चटनी। तो दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, अब खाने में देखना है कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये है राजस्थान स्पेशल थाली है, और फटाफट इसको खा लेता हूँ। अच्छा व्यू आ रहा था, तो थोड़ा देर सुकून से यहाँ बैठा हूँ। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं सनसेट पॉइंट, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है सीन। भाई अभी तक जितने पॉइंट में गया वहाँ पे बाइक आराम से चली जाती थी, लेकिन यहाँ जहाँ मैं आ रहा हूँ यहाँ पे वॉक करके आना है, क्योंकि यहाँ 3 बजे के बाद ना कार आ पाती है ना बाइक। रोड है पर पता नहीं क्यों बाइक और कार की एंट्री नहीं है। तो भाई लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ सनसेट पॉइंट, और यहाँ आने में हालत थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि मेरा जो कैमरा बैग है वो बहुत हैवी है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लोग बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं शाम होने का। ये था सनसेट पॉइंट का व्यू, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में आपको मिल जाएगा। अभी इसके पहले मैं काना गया था अपनी मौसी के यहाँ, तो वहाँ पे भी एक सनसेट पॉइंट है और वहाँ से भी लगभग ऐसा ही व्यू आता है। अब तो थकान लगने लगी, होटल जाऊँगा, एक अच्छी कॉफ़ी पीना है यार, पिछले 3 दिन से मुझे यहाँ पर अच्छी ढंग की कॉफ़ी नहीं मिल रही कहीं भी। तो भाई फाइनली आ गया हूँ मैं अपने होटल, और ये देखो यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे। तो अगर किसी को यहाँ बैठ के इंजॉय करना हो, ये सारा व्यू देखना हो अगर आप लोगों को, तो आप यहाँ बैठ के आराम से अपना ड्रिंक इंजॉय करो, डिनर इंजॉय करो, और सामने प्यारा सा व्यू देखो। और अगर यहाँ नहीं बैठना हो, आपको चाहिए कि आपको पास में बैठना है, तो आप यहाँ नीचे भी सिटिंग है, यहाँ भी बैठ सकते हो। तो यार मैं थक गया हूँ, पहले होटल रूम पहुँच जाऊँ अपने, चेंज वेंज कर लूँ, फ्रेश हो लूँ, उसके बाद फिर यहाँ आके मज़े लिए जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे।
डिनर अगर आप लोगों को करना हो तो ये देखो, ये सामने टेबल वगैरह लगी हुई है। और मैं जा रहा हूँ थोड़ा और एकांत पे, कि वो गाने वाने का ज़्यादा शोर ना हो। तो यहाँ ये देखो, ये है पपेट शो के लिए, यहाँ पे तैयारी हो रखी है। तो भाई अब देखते हैं पपेट शो इनका। अभी जो आपने सारा ये व्यू देखा, ये सारा कुछ होटल के अंदर ही है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है यहाँ होटल के अंदर। तो गाइज़ ये जो व्लॉग था, ये डे टू माउंट आबू का व्लॉग था। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और जा रहा हूँ उदयपुर। एक दिन का स्टे मैं उदयपुर में भी करूँगा, क्योंकि वो रास्ते में ही है। तो सोच रहा हूँ उसको भी क्यों छोड़ा जाए, कवर कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।